आप एफ आई आर से पहले इस्लामाबाद में इस वाक्य से या बाद में आई? जी, मैं इस्लामाबाद अपनी नानी की घर थी, मेरे वालदेन की खुला हुई है और मैं अपनी वालदा के साथ। तो आप वाकई जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम पर बात सुने, मैं इस वक्त इसलिए गिरफ्तार हुई क्योंकि पुलिस के पास प्रूफ है कि उस कैमरा लगे हैं जहाँ यह हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं पहुँची। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाकया दरपेश क्या आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ, क्या वाकया है? खड़े हो, एक जगह खड़े होकर। अच्छा, क्या वाकया क्या पेश आया था वो बता दीजिए। आपके वकील को बात करेंगे कि बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम आते हैं, क्या कहेंगी? आप बता देंगे सर, आप ही भाई, वो माइनर है, ठीक है। आप देखें क्या कर रहे हैं, जहाँ एक एक लड़की की इज्जत है ना, किसी और लड़की की इज्जत है। आप अपना मौका दें ताकि देखें, इस वक्त वो अपना मौका कोर्ट में देंगी। दिस इज प्रेजुडिस, ठीक है, प्रेजुडिस में दिस इज इन कोर्ट, कोर्ट की चीज हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन खुद क्लियर। कहाँ पे थी उस दिन? वो बच्ची क्या आपकी क्लासमेट थी? वो एक लड़की महान थी, वो मेरा नाम नहीं थी। अगर किसी लड़की को तशद्दुद करने इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ मौजूद थी, कोई कल को कत्ल करके मेरे नाम लेके उसको मतलब मैं वहाँ थी। अच्छा, आप एफ आई आर से पहले इस्लामाबाद में इस वाक्य से या बाद में आई है? इस्लामाबाद की नानी थी, मेरे वालदेन की खुला हुई है और मैं अपनी वालदा के साथ। तो आप वाकई जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम मेरी बात सुने, मैं इस वक्त इसलिए गिरफ्तार हुई क्योंकि पुलिस के पास प्रूफ है कि उस कैमरा लगे हैं जहाँ यह हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं पहुँची। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाकया दरपेश क्या आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ, क्या बताया? तो क्या क्या वाकया है, एक जगह खड़े नहीं खड़े नहीं हो। अच्छा, क्या वाकया क्या पेश आया था वो बता दीजिए। आपके वकील को बात करेंगे कि बड़े सीरियस नोयत। मैंने जो कहना था आपकी क्लासमेट थी वो एक लड़की महान थी, वो मेरा नाम नहीं थी। अगर किसी लड़की को तशद्दुद करने इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ मौजूद थी, कोई कल को कत्ल करके मेरे नाम लेके उसको मतलब मैं वहाँ थी, मेरी वजह से हो रहा है। यानी आप कंडेम कर रही हैं सारे इंसिडेंट? मैं उधर नहीं थी ना। इन्वेस्टिगेशन जब निकलेगी ना, दो तीन दिन में इंशाल्लाह, तो खुद ब खुद। जो मुतासर लड़की की कुछ वीडियो सामने आई हैं, वो कहती हैं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई थी जो अब जारी की गई है, तो क्या ऐसा हुआ था? क्या कह रहे हैं आप? मुतासर कह रही है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई थी जब मुझे तशद्दुद किया गया था, तो क्या आप ये इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा? वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मैं ओ लेवल स्टूडेंट, आई एम जस्ट 16, आई एम थैंक यू।